पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा होती है बिहार के राजनीतिक गलियारे में पर्दे के पीछे कहानियों पर। देखिए, नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना है एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में और ये मुहिम फिर से छिड़ गई है तब जब नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं उठ गई कि वो एनडीए में वापसी करेंगे। कांग्रेस पहले तो नीतीश को लेकर सीरियस नहीं थी, लेकिन अब देखिए बिहार में एक बार फिर से राजनीति घटनाक्रम बदल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाए जाने पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या वाकई में संयोजक बनाया जाएगा या फिर मामला कुछ और है? चलिए भीतर की बात में चर्चा बाबा से करवाते हैं, पूछते हैं कि क्या अंदर खाने में चल रही है। बाबा, एक बार फिर से नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा छिड़ गई है इंडिया गठबंधन के लिए। बार बार जदयू के लोग बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद वो कहते हैं कि नीतीश ही सबसे मजबूत नेता है। आखिरकार क्या कहानी चल रही है, क्या होने वाला है बड़ा कुछ? देखिए, अक्सर होता क्या है ना कि जब शादी ब्याह में आप देखिए अगुआ जब शादी सेट कराता है ना जी, तो करता क्या है कि कुछ चीज़ छुपा लेता है जी, जिसमें आपको पता होगा कि डिमांड जो होता है लड़के वाले का उसमें, हाँ अरे सब ठीक है, सब ठीक है, सब हो जाए, तिलक के दिन मिल जाएगा। तो अरे का करें, तिलक के दिन थोड़ा सा ऐसे हो गया था, बरियात के दिन मिल जाएगा। और बरियात के दिन लड़का जब पहुंचता है मोटरसाइकिल के लिए नखड़ा पसारता है तो दो चार घूसा दे करके भी ब्याह कर लिया जाता है। वो तो मैंने भैल ब्याह मोर करबक आए, वो बड़ा पुरान कहावत है। देखिए, ये जब से गैर भाजपाई दलों का गठबंधन बना है तब से ये चर्चाएँ हर किसी के जुबान पर है कि आखिर नीतीश कुमार इतना महत्वपूर्ण क्यों, और नीतीश कुमार ने ही ये सब जुगाड़ सूत्रधार बन करके कैसे कर लिया। तो इसके पीछे का कारण है कि भले ही सामने से कोई नहीं कहे, लेकिन पीछे में सभी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पक्ष क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पक्ष है हिंदी पट्टी के राज्य। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार कहाँ डोमिनेट करेंगे, कहाँ भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर सकते हैं, तो हिंदी पट्टी क्षेत्र में। साउथ के जितने भी राज्य हैं उसमें कांग्रेस और अन्य वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि वहाँ की भाषा और शैली सबसे वो परिचित है। भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि वो हिंदी पट्टी के राज्यों वाली पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक जैसे राज्य में भी अपनी सरकार चलाई है, तेलंगाना में भी चुनाव लड़ रही है, तमिलनाडु में चुनाव तो सब जगह लड़ रही है, अपने अलायंस पार्टनर भी बना रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि कई ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के साउथ पर भी ज़्यादा फोकस हुआ। हमने कुछ दिन पहले खबर भी बनाया था कि काशी कॉरिडोर बने जो बनाया गया वो भी उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार के संयोजक बनने की एक बार फिर से बात का आना, कहीं ना कहीं एक समझिए कि नहीं होता है कि भरोसा अपने आप को दिलाना, अपने आप को संतुष्ट कराना, सांत्वना खुद को सांत्वना देना, उसी तरह की बात चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से कही जा रही है कि नीतीश कुमार क्या एक संयोजक बनने के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं? हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो चौथी बैठक हुई INDIA गठबंधन की, उस गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को जितना बेआबरू होकर के निकलना पड़ा, और तब तो लालू प्रसाद ने कुछ नहीं बोला जी, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। और अब जब नीतीश कुमार की चर्चा ये होने लगी कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जा सकते हैं, कोई नया फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, तो आप शुरू हो गए नीतीश कुमार को मनाने में। जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद के साथ बातचीत कई नेताओं की हुई है, उद्धव ठाकरे से उनकी बातचीत हुई है, उनकी बात खड़गे से हुई है, उनकी बात ममता बनर्जी से हुई है, अखिलेश से उन्होंने बात किया है। ये सारी बातचीत कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक तरफ रख दीजिए और कांग्रेस का एक तरफ पक्ष रखिए। कांग्रेस साउथ के राज्यों में तो अपना प्रभाव जमाती ही है, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में वो हमेशा, कहा तो ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार होकर के अपनी सत्ता प्राप्त करती है और क्षेत्रीय दलों को हाशिए से बाहर कर देती है, मतलब फ्रेम से ही बाहर कर देती है। लेकिन कांग्रेस को उससे अलग आप कैसे कर सकते हैं जी? आज जो कांग्रेस सत्ता में है किसके बदौलत है? अपने बदौलत है या फिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के सत्ता में है? ऐसे कई राज्य हैं जहाँ
कांग्रेस अपना प्रभाव प्रभुत्व जमा रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देख लिया कि तेलंगाना में क्या हुआ, एक क्षेत्रीय दल को समाप्त करके उसके कंधे पर सवार होकर के अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो ये बातें हम उसी दिन से कह रहे हैं जिस दिन से चुनाव परिणाम आए थे। बाबा वो क्षेत्रीय दल हैं जिनको कभी इंडिया गठबंधन में लाने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे, पटना जब वो आए बिल्कुल तो वो जो प्रकरण हमने देखा बैठिए उठिए वाला जो चल रहा था, बिल्कुल नीतीश कुमार चाहते थे कि वो इंडिया गठबंधन में आए लेकिन कांग्रेस उनको ही खा गई। और देखिए ना, चंद्रबाबू नायडू ये बात समझ गए थे जी कि भाजपा के साथ रहेंगे तो भाजपा हमें अपना स्टेक हिस्सा देगी, लेकिन इन लोगों के साथ रहेंगे तो पूरा हिस्से ही चट कर जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने भी इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि कांग्रेस ने अपने सीट शेयरिंग के लिए अपनी एक कमेटी बनाई है। हमने बताया था कि जिस दिन मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की, उसी दिन कांग्रेस के यहाँ बैठक चल रही थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जाए, इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का एक रिपोर्ट आया है जो अभी अपुष्ट है, लेकिन लगभग भीतर खाने में यह तय हो गया है कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उसमें कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांग्रेस चाहती है। अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाइए या कुछ भी बनाइए, कांग्रेस ने तो अपना हिस्सा तय कर लिया। बिल्कुल। तो कांग्रेस जो चाहती थी वो तो कर लिया उसने। बिहार में उसे 9 सीटें चाहिए, कम से कम 8-9 सीटें चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उसे 25 सीटें 80 में से चाहिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में उसे 6-8 सीटें चाहिए। ममता बनर्जी देने के लिए तैयार होंगी, क्या होगा ये आने वाला वक्त। झारखंड में उसे 10 सीट चाहिए 14 में से। अब सोचिए कि 10 सीट चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप जी। कि इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सफाया। इसके अलावा दिल्ली में 4 सीट चाहिए 7 में से, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में उसे 21-23 सीटें चाहिए। पंजाब, बिल्कुल पंजाब में 7-8 सीटें चाहिए। ये सारी बातें घुमा फिरा करके इस तरफ पहुंच रही हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पीछे एक मानसिकता ये भी हो सकती है कि कांग्रेस जिस तरह से डोमिनेट करना शुरू कर चुकी है, नीतीश कुमार को सामने ला करके और कांग्रेस को कमजोर किया जाए या कांग्रेस की ताकत थोड़ी सी संकुचित की जाए। हालांकि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में बहुत सारी संभावनाएं मरती हुई दिखाई दे रही है। एक बात आपको याद होगा कि हमने बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार न एनडीए न इंडिया एक अलग तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। और ये बातें तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब बार बार प्रशांत किशोर एकदम फ्रेम से में आते हैं और फ्रेम में आकर के कुछ नया सगुफा छोड़ देते हैं। कभी वो नीतीश कुमार को लेकर के बात कहते हैं कि नीतीश कुमार आखिर संयोजक क्यों बनेंगे, अगर बनते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो बार बार नीतीश कुमार के उस CCC की याद दिलाते हैं। नीतीश कुमार किस कारण से 2017 में छोड़े थे, उस समय तो प्रशांत किशोर उनके साथ थे, उस परिस्थितियों की चर्चा वो करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी या कोई बड़ा फैसला लेने को लेकर के कहीं ना कहीं एक डर INDIA गठबंधन के भीतर बैठ गया है और इस वजह से शायद चाहता है कि मतलब हम समेट के रखें नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार को वही अंतिम समय तक, जो नहीं लड़का को मोटरसाइकिल वाला बात है, वहां तक लेकर के जाना चाहते हैं और इस स्थिति में ला करके खड़ा करना चाहते हैं जहां से नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता बचे नहीं। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद इसीलिए लिया है कि जो फैसला वो करें, हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो फैसला करते हैं उनका एक हाथ करता है दूसरे को पता नहीं चलता है। तो नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद अपने पास इसलिए रखा है कि 2024 के चुनाव में किस तरह की रणनीति बनानी है वो किसी और से साझा ना करके डायरेक्ट उस पर वो डील करें। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड के भीतर से दो तीन बातें साफ निकल के आ रही हैं। नीतीश कुमार के करीबियों में से कई लोगों ने ये कहा है कि हाँ हम INDIA गठबंधन में हैं, बिल्कुल हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और गलत कहाँ बोल रहे हैं, अभी तो हैं ही वो इंडिया गठबंधन। दूसरा, उन्हें संयोजक बनना चाहिए, उनमें सारी काबिलियत है, ये भी कहाँ गलत है, डिमांड तो आप कर ही सकते हैं। तो PM बनाने की भी बात चल रही है, PM बनाने की बात चलना शुरू हो गई है कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाइए, ये भी कोई गलत नहीं है, इसलिए कि दूसरा दूर दूर तक कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर से ये आवाज उठ रही है, उसी में कल जो बयान आया है अशोक चौधरी का, वो बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल, जब उनसे पूछा गया कि एनडीए में जाने के सवाल पर, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी 10 मिनट में क्या मेरे साथ हो जाएगा, कौन जानता है। यानी कि उन्होंने एक इशारे में कह दिया कि कुछ हो सकता है, ये संभावनाएं अभी जीवित हैं। दूसरा, आप लगातार 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि खबर कर रहे हैं कि संजय झा यहाँ गए, संजय झा वहाँ गए। संजय झा भी एक सूत्रधार है जी, बिल्कुल। दिल्ली में बैठे हुए दो सूत्रधार भी इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं। एक तो
सबसे हरिवंश को एकदम साइलेंट रखा गया है कि अंतिम फैसला वो कर सकते हैं। इसके बाद केसी त्यागी का बयान आप सुन लीजिए कि राजनीति में कभी संभावनाएं समाप्त नहीं होती है, एनडीए के लोग हमारे अच्छे मित्र हैं। इन सारी बातों को सुन समझ करके अब मैंने चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से क्या फायदा है। लालू प्रसाद का प्रयास भले ही चाहे जितना भी ईमानदार हो, हालांकि ईमानदार प्रयास तो नहीं कहा जा सकता इसको, सबके अपने अपने स्वार्थ है और राजनीति में स्वार्थ के बिना कोई काम होता नहीं। भले तेजस्वी यादव जाए चाय पीने के लिए दिखाने के लिए कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये तो हमने खबर किया है कि जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार लालू प्रसाद का संदेश लेकर, चूंकि लालू प्रसाद से बात नहीं हो रही है, सबके बात का आया लिस्ट, फलाने से लालू ने बात की, फलाने से बात की, फलाने से बात की, लेकिन चिलाना का नाम उसमें नहीं है। तो आखिर चिलाना का नाम नहीं है तो चिलाना से बात कैसे होगी? तो बगल में डेरा है, उठ करके चल देंगे, तेजस्वी यादव चाचा जी बाबू जी हई भेजे हैं, स्वीकार किया जाए, तो चाय पियो चलो हम बात करेंगे जाओ, ये भी हो सकता है ना भाई, संबंध है चाचा भतीजा वाला तो कुछ भी हो सकता है। और तो ये जा रहा था कि खाना खाने के लिए भी गए तो चाचा मना कर दिए कि जाओ आएंगे तो खाएंगे साथ में। अब गोतिहारों में बहुत कुछ ना होता है जी। अभी आप समझिए कि मोटरसाइकिल वाला बात जो हम बोल रहे थे, लड़का रूसल है मोटरसाइकिल ला, तो गोतिया वाला देखेगा कि अच्छा यही मौका है, और कहता है अरे एकर औकात बा मोटरसाइकिल के, भगा वो लोग ब्याह कर लगे, हम एक बढ़िया लड़का बताओ तानी, अब वो अलगे बाप बाप करके ब्याह कर, यही स्थिति हो गई है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी का जो ट्यूनिंग आपने देखा होगा 2017 में, एक बार फिर से सुशील मोदी एक्टिव हो गए हैं, पोस्टर लगने लगा है, तो खैर पोस्टर लगने की अलग एक कहानी है, उनके जन्मदिन का भी पोस्टर हो सकता है, लेकिन संकट मोचन तो जन्मदिन के दिन नहीं ना कोई करेगा, इसके पहले तो इसके पहले नहीं लगा था, तो एक ये बातें शुरू हो गई हैं। दूसरा सम्राट चौधरी को भी आपने देखा होगा, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो दिल्ली का फैसला होता है ना, पहले ऐसा ही कांग्रेस में होता था कि दिल्ली ने आला कमान ने जो फैसला कर दिया वो अंतिम फैसला हो गया। आपने देखा तीन राज्यों में चुनाव हुए, उसके मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर के जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया सबको स्वीकार हो गया, यहाँ तक कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनने का पूरा पूरा सपना आ रहा था, चांस था, वही उसको माला पहना करके मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की और खास करके मोदी और शाह की अपनी एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के तहत नित्यानंद राय को भी आप देख रहे होंगे मेन फ्रेम में है, अब क्या जरूरत है नित्यानंद राय को अब यहीं सीएए का चर्चा करने का, ये भी एक कहानी कह रही है। इन सारी कहानियों के साथ साथ जो एक कहानी सबसे लास्ट में हम कहने जा रहे हैं, और ये कहानी हम पिछले तीन दिनों से लगातार हर खबर मतलब हर विश्लेषण के बाद कह रहे हैं कि अंतिम प्रयास और अंतिम फैसला नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके अलावे अगर ये सब नहीं होता है तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सेटिंग के द्वारा 2024 में 2025 का चुनाव विधानसभा भंग करके करा सकते हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार क्या वाकई में तीसरे गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? क्या चर्चा हो रही है, आखिरकार फैसला क्या होगा, इस पर लगातार भीतर की बात में बाबा के साथ चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।